हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन। कुछ दिन पहले एक वीडियो में मैंने बताया था और आपको पता भी होगा कि यूपी गवर्नमेंट ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज खोलने की एक नीति बनाई है। उस पॉलिसी के तहत उन्होंने 13 नए मेडिकल कॉलेजेस को ओपन करने का अनाउंसमेंट किया था और वो मेडिकल कॉलेज 2024 की काउंसलिंग में शामिल होने वाले थे। लेकिन आज से कुछ दिन पहले जब उन 13 मेडिकल कॉलेजेस का एनएमसी की टीम ने इंस्पेक्शन किया तो उन्होंने पाया कि इन 13 मेडिकल कॉलेजेस में जो तय मानक हैं, जो एनएमसी के अपने न्यूनतम मानक हैं, उन पे खरे नहीं उतरते हैं। इसलिए मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि अब शायद इन 13 मेडिकल कॉलेजेस का 2024 की काउंसलिंग में शामिल होना मुश्किल है। लेकिन जब ये न्यूज़ आई न्यूज़पेपर में और एनएमसी ने इन 13 मेडिकल कॉलेजेस के रिकॉग्निशन को डाउट में डाल दिया तो उसी के एक या दो दिन के बाद उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी से बात की। उसमें उन्होंने ये रखा कि ये जो 13 मेडिकल कॉलेजेस हैं ये न्यूनतम स्टैंडर्ड के मानकों को पूरा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एनएमसी ने इनकी टेस्टिंग इनका वेरिफिकेशन 2023 के जो नए एनएमसी के मानक हैं स्टैंडर्ड्स हैं उनके आधार पे किया है। उससे पहले हम आपको बता दें कि जिस समय ये मेडिकल कॉलेजेस बनाने को अनाउंसमेंट हुआ था उससे पहले 2020 के एनएमसी के स्टैंडर्ड्स लागू होते थे। तो उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है, इसके अधिकारियों का और चीफ मिनिस्टर जी का ये कहना है कि हमने इन मेडिकल कॉलेजेस में जो फैसिलिटीज़ हैं जो स्टैंडर्ड हैं 2020 के एनएमसी के मानकों के अनुसार अप्लाई किया है। लेकिन एनएमसी जो है वेरिफिकेशन जो है ये वो 2023 के मानकों के आधार पर कर रही है। इसीलिए चीफ मिनिस्टर योगी जी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी से अनुरोध किया कि वो एनएमसी से कहें कि इन 13 मेडिकल कॉलेजेस को मान्यता 2020 के स्टैंडर्ड और मानकों के आधार पर ही कर दिया जाए। तो ऐसी उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि 2024 की काउंसलिंग में ये 13 एमबीबीएस मेडिकल कॉलेजेस शामिल होंगे और आप सभी बच्चों को 1300 नई एमबीबीएस सीट पर दाखिला लेने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि 2020 और 2023 के एनएमसी के जो मानक हैं उनमें क्या अंतर है। 2020 का जो मानक था उसके अनुसार मेडिकल कॉलेज में 50 चिकित्सा शिक्षक यानी कि 50 मेडिकल फैकल्टीज होनी चाहिए, जबकि 2023 के जो मानक हैं उनमें ये स्तर 50 से बढ़ाकर के 86 मेडिकल शिक्षक यानी मेडिकल फैकल्टीज का कर दिया गया है। तो 2020 की तुलना में 2023 में जो मिनिमम मेडिकल फैकल्टीज होती हैं उनका नंबर 50 से बढ़ा के 86 कर दिया गया है। तो पहला तो ये फर्क आया। दूसरा है कि 2020 के मानक के अनुसार मेडिकल कॉलेज में 24 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर होने चाहिए, जबकि 2023 के स्टैंडर्ड में इसे बढ़ा करके 40 सीनियर रेजिडेंट कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रोफेसर को लेकर के भी 2020 से 2023 के मानकों में चेंज हुआ है। 2020 के अनुसार एक नए मेडिकल कॉलेज में 6 प्रोफेसर्स होने चाहिए, जबकि 2023 के जो मानक है उनके अनुसार प्रोफेसर्स की संख्या 17 होनी चाहिए। इन्हीं सब वजहों से एनएमसी ने अपने पिछले इंस्पेक्शन में इन सभी कॉलेजेस को मान्यता नहीं प्रदान की। लेकिन ये जो मानक है 2020 के और 2023 के इसमें काफी ज्यादा फर्क है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में फैकल्टीज का इंतजाम करना, वो भी योग्य फैकल्टीज का इंतजाम करना और साथ ही साथ क्वालिफाइड फैकल्टीज का इंतजाम करना इतना सिंपल टास्क नहीं है। तो इसलिए अगर एनएमसी 2020 के मानकों के अनुसार ही मान्यता दे देती है तो इन 13 मेडिकल कॉलेजेस को खुलने में कोई समस्या नहीं होगी। खैर ये गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि उधर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बॉडी है एनएमसी उसको स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस को मान्यता देनी है और दोनों जगह पर क्योंकि भाजपा की ही सरकार है तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि टाइमली ही इन 13 मेडिकल कॉलेजेस को रिकॉग्निशन मिल जाएगा। तो बेटा इस वीडियो में आपके साथ यही शेयर करना था कि जो एक बैड न्यूज थी बच्चों के लिए, ये 13 नए मेडिकल कॉलेज शायद 2024 की काउंसलिंग में नहीं ऐड होंगे, तो अब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अनुसार ये 13 मेडिकल कॉलेज 2024 की काउंसलिंग में ऐड होने जा रहे हैं। ये 13 मेडिकल कॉलेज हैं कौन कौन से, आपको ध्यान होगा हर एक जिले में एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने की गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है उसी के तहत ये 13 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। ये 13 जो जिले हैं वो हैं गोंडा, लखीमपुर, पीलीभीत, चंदौली, कौशाम्बी, सोनभद्र, बिजनौर, कानपुर, बुलंदशहर, औरैया, कुशीनगर, ललितपुर एंड सुल्तानपुर। तो इन 13 जिलों में 13 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, दिस इज एम सिंह सर हियर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करिए। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव इन योर माइंड यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।